मेरे कंधे पे दोस्तों इस वक्त बैठा हुआ है मेरा एक छोटा सा मिनी डायनासोर। ओए अरे 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 अरे, अरे भागने नहीं, भागने नहीं देना इसको, भागने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज एक और दिन, एक और सुबह, और माशाल्लाह बहुत अच्छे व्लॉग्स जा रहे हैं। तो आज भाई मैं आपको मिलवाने वाला हूं हमारे मिनी डायनासोर से, जो हमारे जू के मिनी डायनासोर्स हैं, और उनका नाम भी मैंने बहुत अच्छे से नाम रखे हैं, तो उनसे आज को आपको मिलवाएंगे। लिजर्ड की मेरी फेवरेट स्पीशी है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि उनके बारे में डिटेल में व्लॉग बनाए, तो भाई वो चीज़ हमारे रेप्टाइल रूम के अंदर मौजूद है, और उनको मिनी डायनासोर क्यों कहा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो वो है हमारी इग्वाना लिज़र्ड। तो इग्वाना के आज जो है हम पूरा व्लॉग करने वाले हैं, और उसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होने वाली हैं, तो स्टे ट्यून्ड, पूरा व्लॉग देखें। तो चलते हैं फिलहाल हमारे रेप्टाइल हाउस के अंदर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारी दो इंक्लोजर्स हैं, ये दोनों इग्वाना के इंक्लोजर्स हैं, दोनों के अंदर इग्वाना रहती है, और ये हमने बनाया था। तो अभी सुबह सुबह इनकी सफाई हुई है, खाना वाना डल गया। तो देखें पहले तो ये दो बैठे हैं, ये मेरे फेवरेट है, इनके नाम भी मैं भी आपको बताऊंगा, इनको निकाला हुआ। साथ में बराबर में जो इंक्लोजर है ये छोटे बच्चों का है, और वो बैठा हुआ है सामने हमारा जो है वो सबसे तेज तर्रार इग्वाना, और इसका मैंने अभी तक कोई नाम ही रखा, ये भी ये बैठा हुआ है। ये देखें ये बहुत ज़्यादा तेज़ है दोस्तों, जैसे ही इसके करीब जाते हैं ना ये भाग जाता है। ये देखें ये फ़ौरन मारने को, ये देखें ये देखें ये देखें कितना तेज़ है, देखा आपने, मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया इतनी स्पीड में भाग रहा है। ये देखें तो ये अभी तक फ्रेंडली नहीं हुआ है, तो इसको ज़्यादा बाहर निकालना जो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, कभी कभी हम बाहर निकालते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे लाइट और हीटर लगाया हुआ है, ताकि सर्दियों के अंदर जो है इनको टेम्परेचर बहुत अच्छा सा मिलता रहे। और इनके बारे में जो बेसिक डिटेल्स हैं वो यहाँ पर भी लिख दी है, ताकि हमारे रेप्टाइलों में जो विजिटर्स आते हैं उनको उनके बारे में बेसिक मालूम मिल जाए। तो अभी ये वाला जो हमारा इंक्लोजर है इसके अंदर से हम ये दो इग्वाना निकालते हैं, और मुझे जो है आज फैसिलिटेट करेंगे हमेशा की तरह वो है मिस्टर दाऊद। भाग रहे थे लेकिन मैं आपको भागने नहीं दूंगा, आप जो है इग्वानाज निकालें, और पहले चलते हैं इनको बाहर लेके थोड़ा सा सनलाइट में, इनके कुछ शॉट्स बनाएंगे, इनको सनलाइट लगाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देखें जी एक रेड वाला आ गया और ये आ गया ग्रीन वाला। एक और इग्वाना है जो कि ब्लू कलर की है, दिखाइएगा ज़रा। तो ये हमारी जो है वो ब्लू इग्वाना है, लेकिन इसके साथ ये है कि ये हमारे पास जब से आई है ना ये प्रॉपर तरीके से फीड वीड नहीं लेती है, तो रिजवान इसको डेली जो है वो हाथ से खिलाता है। तो ब्लू इग्वाना अभी रिजवान की कस्टडी में, ये जो इसको खाना खिला देगा। मेरे कंधे पे दोस्तों इस वक्त बैठा हुआ है मेरा एक छोटा सा मिनी डायनासोर, और इसका नाम मैंने रखा है ग्रीनो। तो ग्रीनो जो है हमारा, ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पेट है, और इग्वाना लिजर्ड ग्रीन इग्वाना से इसका ताल्लुक है। तो ग्रीनो को फ़िलहाल जो है मैं इधर छोड़ता हूँ पौधे पर, ताकि थोड़ा सा रेस्ट करे। और दाऊद के पास मौजूद है हमारा रेड वाला इग्वाना, जिसका नाम मैंने रखा है रेड ड्रैगन। तो रेड ड्रैगन जो है हमारा, इसको छोड़ते हैं हम थोड़ी देर के लिए प्लांट पे ग्रीनो के साथ, ताकि यहाँ पे सनलाइट आराम से ले सकें। माशाल्लाह जी ये देखें, तो ये सनलाइट लग रही है। और दोस्तों अजान का वक्त हुआ है, तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेंगे, आफ्टर नमाज इंशाल्लाह ये व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों गॉडज़िला में इसको इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो गॉडज़िला मूवी में जो डायनासोर दिखाया गया है, जो बड़ी सी छिपकली होती है, वो एक्चुअल में जो इग्वाना लिजर्ड होती है उसी को बड़ा करके दिखाया गया, और उसी के कॉन्सेप्ट पे बात की गई है। तो इग्वाना लिजर्ड जो है उस मूवी के अंदर भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया कि ये समंदर के आसपास रहती है, और रियल में इग्वाना की बहुत सारी ऐसी टाइप्स हैं जो समंदर के आसपास रहती हैं, आइलैंड्स पे रहती हैं, और समंदर पे स्विमिंग भी कर लेती हैं, लेकिन कम्प्लीटली वेजिटेरियन होती है। ये कभी कभार छोटे कीड़े वगैरह खाती है, जैसे कि आज हम करने वाले। ओह भागने वाला था ये, भाग रहा था ये। अरे 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 अरे, तो भाग ना जाए, थोड़ा सा ख्याल करना ना जाए। ओए अरे 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 अरे, भागने नहीं, भागने नहीं देना इसको, भागने नहीं देना भाई, ये भागने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। और इसको जो है वो अब अचानक से पकड़ लो, वरना ये भाग जाए। एक मिनट मैं पकड़ूँ। आ गया आ गया आ गया आ गया, शराफत से आ गया भाई ये तो। ये लो भाई, इसको संभाल के रखना भाई, ये जंप लगा के भाग जाता है। ये कितना आराम से बैठा हुआ है, लेकिन ये रेड ड्रैगन जो है इसको भाई बहुत मसला है, रेड ड्रैगन को बहुत मसला है, क्योंकि जो रेड ड्रैगन है ना ये क्या है, ये फीमेल है इसलिए इतना तंग कर रही है, ये मेल देखे कितना आराम से बैठा हुआ है। तो भाई इनकी जो फेवरेट फूड है उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स,
लीज वगैरह तो हम देते रहते हैं, लेकिन हमने आज सोचा है कि क्यों ना एज अ ट्रीट। आपको पता है जब भी किसी जानवर के ऊपर मैं स्पेशल कोई व्लॉग करता हूँ, उसके केज के अंदर जाता हूँ या उसके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करता हूँ, तो उसको एज अ ट्रीट हम कुछ ना कुछ तो देते हैं। तो इसकी ट्रीट क्या होगी भाई? इसकी ट्रीट मेरी नज़र में वो है जो उसको रोज़ नहीं दी जाती, और वो है फ्लावर्स। तो हम चलते हैं भाई, अभी फ्लावर्स को जो है वो करते हैं कलेक्ट। क्या ख्याल है? करते हैं, चलते हैं, फ्लावर्स कलेक्ट करते हैं। इनको फिलहाल यहीं पर ही सनलाइट लगने देते हैं, और एक काम करते हैं फ्लावर्स हम कलेक्ट करने जाते हैं, लेकिन उससे पहले ना इनको थोड़ा सा हम बाथ दे देते हैं, थोड़ा सा पानी के अंदर इनको शावर दे देते हैं, और इनको केज के अंदर डाल के जाते हैं ताकि सनलाइट भी लगा ले, तब तक थोड़े से सूख जाएंगे। जब तक हम फ्लावर कलेक्ट करके आएंगे, फिर हम इनको फ्लावर्स खिलाएंगे, और आप देखिएगा कि ये फूलों को जो है किस तरीके से खाते हैं। तो चलो इनको पहले वहाँ रख देते हैं। कैसे हैं आप? सर ये ग्रीनों को जो है अभी केज में डालना है, और हम जा रहे हैं फूलों को कलेक्ट करके आ रहे हैं। आपने यहाँ पे आपकी ड्यूटी है कि आपने इनका ख्याल रखना है। सही है, अभी मैं केज में डाल देता हूँ। बस सही है, आ जाए सर, केज में डालते हैं इनको। नाखून इसके बड़े भाई, ये देखें मेरे हाथ पे स्क्रैचेस। मैं आपको ये ग्रीनो जा रहा है, ये देखें। और ये मेरे बाजू पर ऐसा लगा ग्रीनो जो ना कपड़े भी हमने आज मेरे गले। हाँ ग्रीनो, एक मिनट ये देखें ग्रीनो, लाइट ग्रीनो, लाइट ग्रीनो। तो भाई ब्लू वाली इगुआना ऑलरेडी अंदर है, एक सेकंड ब्लू वाली को निकाल लेते हैं। गर्म हो रही है। हाँ हाँ, ये हम डाल रहे हैं, ये केज हमने बनाया था, एक साइड पे कैमेलियंस डाल दिए, एक साइड ये वाली भी ले लेते हैं। दाऊद केज पकड़ के मेरे लिए बैठा हुआ, एक आदमी मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ, बख्श भाई ने ब्लू इगुआना पड़ी हुई, तो इसको इनको ब्लू इगुआना अंदर रख देते हैं। ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ये इसको शायद आवाज़ आ गई कि भाई हम फ्लावर लेने जा रहे हैं, तो यूँ कर रहे हैं, ले आओ ऐसा कुछ कर रहा है। ऐसा ही है बख्श भाई, करके दिखाएं एक बार। ये जबरदस्त, तो ये ब्लू वाली इगुआना, यानी बख्श भाई ये बराबर वाला इनक्लोजर है, हाँ छोटा वाला है। अच्छा मौसम भी ज्यादा गर्म है भाई। हाँ तो ज्यादा धूप ना लग जाए ना, कहीं रोस्टेड इगुआना ना बन जाए कहीं। हाँ वो हमने देख ली थी, हैं अपने इनक्लोजर के अंदर, और अब हम हथियार हमारा रेडी है। बख्श भाई इनको जो है ना आपने स्प्रे करके, मुझे लग रहा है प्रेशर कहीं और से लगा रहे हैं, दोबारा कहिए प्रेशर। हाँ ये देखें, अब इनको इतना मज़ा आएगा, ये देखें शावर में नहाएंगी। वो देखें वो तो आंखें बंद करके बिल्कुल ऐसे प्रॉपर हो रहा था, ये देखें रेड वाले को ज़्यादा मज़ा आ रही है। लाइट ग्रीन इगुआना को भी हम जो है वो पानी में रख रहे हैं, क्योंकि इनको भी गर्मी कुछ ज़्यादा ही लग रही है रोजे में, ऐसा ही है सर। बिल्कुल चले जाए, आ जाए जी। तो भाई इसको पानी शानी दे दिया है हमने, इतना इनफ है जी। तो चलते हैं हम उस तरफ, हमारे कुछ फ्लावर्स के प्लांट्स हैं, वहाँ जाते हैं और फ्लावर्स कलेक्ट करके आते हैं जी। आ गए हैं हम अपने पौधों के करीब, और हम ढूंढ रहे हैं इगुआना के लिए फ्लावर्स अलग अलग किस्म के। तो मेरे साथ दाऊद। हाँ भाई दाऊद, क्या ख्याल है, कलेक्ट करें, स्टार्ट करें? तो ये पर्पल वाले हमें सबसे पहले नज़र आ रहे हैं। देखो फूल ऐसे तोड़ने के हमारे पौधे भी ना ख़राब हो, सब में से एक एक ले लेंगे। यहाँ पर भी कुछ ये पर्पल कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये ले लेते हैं। ब्लू वाले, हाँ ये वाले, ये हो गए, कलेक्ट कर लेते हैं। वहाँ पर जो वाइट वाले हैं वो भी कलेक्ट कर लो, और ये वाले भी ले लेना। इस तरीके से जो ही केजिस के पीछे वाली जो हमारी जो ग्रीन हमने नेट लगाई हुई है, उसके ऊपर पानी डाला जाता है, ताकि जो है वो जानवर गर्मी के टाइम पे जो है वो ठंडा ठंडा फील करें, और ये उनके लिए एसी की। अब यकीन माने मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे फील हो रहा है कि कितनी ठंडक सी मुझे फील हो रही है इस पानी की वजह से, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ जी, ये फ्लावर यहाँ पर भी ज़्यादा लगे हुए हैं। अच्छा मैं चाह रहा हूँ अलग अलग फ्लेवर्स के हों, तो देखते हैं इसमें से कौन से कलर का जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इगुआना खाती है। और यहाँ पे सनफ्लावर भी लगे हुए हैं यार, सनफ्लावर भी निकालते हैं यहाँ से। इतना प्यारा फूल है, लेकिन इसको तोड़ने का दिल नहीं चाह रहा। कोई छोटा सा तोड़ेंगे, वो भी हम देखें फ्लावर से इसलिए तोड़ रहे हैं कि हमें इगुआना की जो न्यूट्रिशन है उसको पूरा रखना है। तो कलेक्ट कर रहे हैं हम, छोटा वाला कोई सनफ्लावर ले लो, एक ये वाला ले लेते हैं। ये वाला, हाँ ये वाला ले लेते हैं, ये ज़्यादा ना बड़ा, हाँ यहाँ से तोड़ लो बस। चलो एक ये आ गया, और ढूंढते हैं। जूम में हमने देखे धनिया उगाया हुआ है, तो थोड़ा सा धनिया भी ले लेंगे, थोड़ा सा धनिया भी ले लेते हैं यार। ये दाऊद थोड़ा सा धनिया भी ले लो, ये बख्श भाई ने उगाया हुआ था, तो आई थिंक इतना काफ़ी है। पता है क्यों? फूल भी लेंगे क्या यार? ये देखो थोड़ा सा अजीबो गरीब लग रहे हैं, और इस तरह के जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं ना, थोड़े से टॉक्सिक वाले होते हैं। तो प्राइस भी होंगे, आप जो यहाँ से तोड़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं इसके प्राइस भी देने पड़ेंगे आप? कितने प्राइस है जानू? 100 रुपये बस, बस इतने से। खाते में लिख लेना आप, ठीक है? खाते में लिख लेना, एक साथ दूंगा सारे भाई। माशाल्लाह इसमें तो एक छोटा सा गुलदस्ता बन सकता है, रंग बिरंगे फ्लावर्स हमने जमा कर लिए। तो अब चलते हैं इगुआनास को फीड कराते हैं दोस्तों।
भाई काम होता है खराब इस तरीके से। ये देखें, दो दिन से अंडा नहीं दे रही थी, कल वाले व्लॉग में बोला आज इसने अंडा दिया है, तो अपना अंडा ये खुद ही तोड़ के खा जाती है। और हमने क्या किया था कि कुछ बतख के अंडे अंदर रख दिए थे, तो ये बतख का अंडा तोड़ देती थी, जो खराब वाले अंडे होते हैं वो अंदर रख देते थे, और फिर जब ये अपना अंडा देती थी तो इसको कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती थी उसको तोड़ने की, इसकी एक आदत सी हो गई है। तो कल क्या किया हमारी टीम ने, जो है वो खराब अंडा जो था वो भी निकाल के कहीं फेंक फेंक दिया, उसके बाद इसने अपना अंडा दे दिया और अपना अंडा है। तो कौन से वाले? हाँ ये वाले, अरे हाँ ये वाले बहुत प्यारे हैं, ये अभी तो हमने लगाए थे, ये सर्दियों वाले फ्लावर है, गुले दाऊदी की कोई किस्म है ये, मेरे नाम से रिलेटेड है। हाँ हाँ तुम्हारे नाम से रिलेटेड है, तो ये वाले एक दो ही लेना बस, ज़्यादा नहीं लेना। बड़ी मेहनत से हमारे जो है वो माली ये पौधे लगाते हैं, पर उनको दुख होगा यार, इकवाना उनके पौधे खा जाती है। फ्लावर जो कलेक्ट करके आए हैं अब इसके अंदर डालें, देखें कौन सा सबसे ज़्यादा पिक करके खाती है। सारे फ्लावर एक साथ डाल देते हैं, पहले एक खिला के देखें कौन सा खिला। ये पर्पल वाला क्या लगता है, खाएगी मुझे लग रहा है। ग्रीनो का तो पता यार, रेड वाला तो भाग रहा है, ग्रीनो को खिलाते हैं। चलो ग्रीनो, ओए 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 भाई ये खा रही है, छीन छीन के खा रही है भाई ये तो। ग्रीनो भाई इसने तो एक मिनट के अंदर इसने पत्ता खा लिया भाई, दूसरा कौन सा फ्लावर खिलाया दूसरा? तो भाई ग्रीनो ने तो फ्लावर फौरन से खींचा और खा लिया, पर्पल हमने खिलाया, रेड वाला खिलाया। नाम से थोड़ा सा रिजेंबल देते हैं। ये देखो ग्रीनो को यहाँ दिखाते हैं, आओ आओ ग्रीनो आओ। ओए होए ओए होए, इसको भाई फ्लावर बहुत ज्यादा पसंद है लग रहा है, ये देखें। ये क्यों नहीं खा रहा रेड ड्रैगन, क्यों नहीं खा रहा ये? थोड़ा सा पता नहीं क्यों आज ये वो घबराया हुआ है यार, ये मोहतरमा के नखरे हो रहे हैं बहुत ज्यादा नखरे हो रहे हैं भाई। और ये देखें ये तो भाई ऐसा हो रहा है, ये देखो इसको थोड़ा सा ऊपर उठाने ही करूं। ओह ओह ये देखें कैसा जबरदस्त, गया पूरा फ्लावर ले गया भाई। तो भाई एक काम करते हैं, ये बहुत सारे फ्लावर्स हैं, इनको अंदर डाल देते हैं, इनको जो पसंद होगा ये अपनी मर्जी से खा लेंगे। बल्कि एक काम करते हैं, गर्मी बहुत हो गई, इनको दाऊद निकाल लो, इनको इनके इंक्लोजर के अंदर डाल के फिर ये फ्लावर दे दे ताकि ये सुकून से खा लें। भगा नहीं देना यार, पहले भी ये रेड वाला भाग गया था। आराम से ये देखें इनके नेल्स इतने, इसको तो आना ही नहीं है बाहर, वो कह रहा जिद्दी हो गया ये बहुत। नहीं ये तो खैर अच्छा है, वो रेड वाला तो और वो हो गया। चलो इसको यहाँ छोड़ते हैं, इसके इंक्लोजर में रख देते हैं, इसको इसके इंक्लोजर में रख देते हैं, फ्लावर यहीं पर ही डालेंगे। रेड वाला ले आओ, फिर एक साथ फ्लावर डालते हैं यहीं पर ही, नीचे जो उनकी सब्जी रखी हुई है उसी के ऊपर जो हम फ्लावर ये सारे ऐसे डाल देते हैं। और इसको अब नीचे बुलाते हैं, आ जा बेटा नीचे, और अब यहाँ जितने फ्लावर खाने हैं आप खा लो, रेड वाली के भी डाल दो। ये देखो ग्रीन वाली को तो मैंने नीचे छोड़ दिया, मैंने कहा शायद इसको फ्लावर खाने हो तो ये खा लेगी, खा रहा है खा रहा है, फिर छोड़ दिया। टेस्ट तो लिया यार, टेस्ट तो लिया इसने। ये रेड वाले ने भी फाइनली जो है वो फ्लावर खाना शुरू कर दिए। ओहो सनफ्लावर भाई इसको पसंद है, इसको पर्पल वर्पल नहीं खाना था, लेडीज है ना कलर चूज ही होती है भाई, येलो कलर का फ्लावर खाना था। तो भाई थोड़ी सी ट्रीट लेने के बाद जो है ये अब चाह रहे हैं कि हम यहाँ से चले जाएं ताकि आराम से खा लें। ग्रीनो भाई साहब वहाँ पीछे बैठे हुए हैं, ग्रीनो भी आ गई है मैदान में, और ग्रीनो जो है अब कौन सा फ्लावर चूज करती है देखते हैं। फिलहाल तो दोनों ऐसे बैठे हुए हैं भाई कि जैसे इनको कुछ खाना। तो दोस्तों पूरा दिन तो मैं शूट नहीं कर सकता, मगर अपने पूरे दिन में से कुछ हिस्सा निकाल के आपके साथ शेयर ज़रूर करता हूँ। प्लीज़ हमारी मेहनत को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।